दोस्तों आप जियो का यूज़र है और आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है, आपका इंटरनेट से बहुत ही इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। इस वीडियो में जो सेटिंग बताता हूँ उस सेटिंग को कीजिए, उसके बाद आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा दोस्तों, आप इतना ज़्यादा इंटरनेट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका कभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। और यदि आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ से मतलब इस VPN को सेटिंग करते हैं उसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ता, आपका प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है दोस्तों, इस चैनल पर कभी भी मत आना दोस्तों, और मेरे चैनल का नाम भी भूल जाना, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो को डिसलाइक करके आप कमेंट में जो लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो जो मैं यहाँ पर लेटर बताऊँगा उस लेटर को एक भी लेटर आप गलती कर देते हैं ना दोस्तों, तो आपका इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और कॉपी पर लिख लीजिए, जो जो सेटिंग बताता हूँ आपको उसी तरीके से आपको एक VPN बनाना है, जो VPN आज तक पूरे यूट्यूब पर पूरे इंटरनेट पर आपको देखने को नहीं मिला होगा दोस्तों, यदि आप जियो का सिम यूज करते हैं तो दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग को ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको सिम कार्ड पर एक बार क्लिक करना है। अब देखिए आपको जहाँ पर भी जियो का सिम होगा, ये देखिए मेरा जियो का सिम 2 नंबर में है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, जियो वाले नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद देखिए एक्सेस पॉइंट का नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको आना है और देखिए एक यहाँ पर रीस्टेटस का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको रीस्टेटेड कर देना है, सारे VPN जो भी बनाए होंगे उसे डिलीट कर देना है, आप इस VPN को बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू VPN पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ, ओके इसे मैं यहाँ से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बना कर रखा हूँ, उसी को आपको बताऊँगा, आपको ध्यान से देखना है, एक भी लेटर आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको न्यू VPN पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेम वाले पर क्लिक करना है, नेम वाले पर क्लिक करने के बाद देखिए जियो जे आपका बड़ा अक्षर का होना चाहिए, उसके बाद जियो लिख देना है, उसके बाद यहाँ देखिए स्पेस दे देना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस दे देना है, स्पेस देने के बाद 4G भी आपका 12 होना चाहिए, फिर स्पेस देना है एक स्पेस, उसके बाद इमरजेंसी का स्पेलिंग देख सकते हैं, इमरजेंसी इंटरनेट में वो आपका जो आई है वो छोटा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल होना चाहिए स्मॉल, ठीक है, आपको यहाँ पर छोटा अक्षर लिखना है, उसके बाद इमरजेंसी में आपका ई जो होगा उसे आपको बड़ा लिखना है, ठीक है, स्पेस देकर यहाँ पर आपको सेव कर देना है, देख लीजिए ध्यान से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको VPN वाले पर क्लिक करना है, VPN पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है जियो, जे आपका बड़ा होना चाहिए, जियो स्पेस नहीं देना है, उसके बाद 4G आपका बड़ा होना चाहिए, फिर इमरजेंसी तो ई आपका बड़ा होना चाहिए, फिर आपको इंटरनेट में सिर्फ आई आपका यहाँ पर स्मॉल में होगा, ठीक है, छोटा अक्षर में होगा, आपको स्पेस इसमें कहीं भी नहीं देना है VPN में। उसके बाद ओके कर देना है, ओके करने के बाद आपको यूजर नेम पर क्लिक करना है, हैच लिख देना है, उसके बाद 4G इमरजेंसी इंटरनेट, ठीक है, आपको लिख देना है हैच 4G, जी आपका बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर इमरजेंसी में आपका ई मतलब छोटा अक्षर होना चाहिए, इमरजेंसी इंटरनेट आई भी आपका यहाँ पर छोटा अक्षर में होना चाहिए, उसके बाद हैच देकर यहाँ पर यूजर नेम में ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सर्वर पर क्लिक करना है, सर्वर पर आने के बाद www.jio.in जे आपका बड़ा होना चाहिए और स्पेस कहीं भी नहीं होना चाहिए आपको सर्वर में, ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ओथोनियन टाइप पर क्लिक करके पैप टू चैप पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, VPN प्रोटोकॉल पर आकर यहाँ पर IPv6 नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद VPN रोमिंग प्रोटोकॉल पर भी वही नीचे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बैरियर में, देखिए बैरियर में आपको आना है और LTE GPRS ये दो चीज़ को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, LTE को भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको दो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके कहीं से आपको ऊपर की तरफ मोबाइल आपके मोबाइल में ऊपर की तरफ से भी सेव करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर इसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद इसके बाद जो आप न्यू VPN बनाए हैं उस VPN को आपको यहाँ पर कनेक्ट करा देना है, कनेक्ट कराने के बाद देखिए ब्लू रंग का हो जाएगा, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, एक बार मोबाइल को आप रिबूट भी कर सकते हैं, मोबाइल को बंद करके खोल सकते हैं, उसके बाद आप अपना 5-6 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो आप कुछ ना कुछ आप गलती किए हैं, तभी आपका इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ा है दोस्तों।